चढ़कर आए हैं पैदल, और कितनी ऊंचाई से आए ये आप देख सकते हो। ये इस जगह से हम चढ़कर आए इस पहाड़ पे। ये दोस्त है हमारे जो मेरे साथ आए थे, ये उस चोटी पे चढ़कर जाना है जो कि इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर हमें जाना है। मतलब काफ़ी दिनों से ख्वाहिश होती थी जब कंपनी से के पास से इस पहाड़ को देखते थे कि कभी तो इस पे जाना है। फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम इस पहाड़ पर आ भी चुके हैं। यहाँ से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, तो चलता हूँ आगे की ओर। वो देखते हैं उस चोटी से शहर का नज़ारा कैसा लगता है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और ये हमारे दोस्त लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आप जानते ही होंगे, नाम सुना ही होगा, बाहुबली 2 में ये बहुत जोरों से फाइटिंग करते हैं। देखते हैं कितना लंबा पहाड़ है। तो आइए भाई आपको बताते हैं किरण का बच्चा। तो भाई जो हिरण की बात कर रहे थे वो हिरण वो रही और वो भाग चुकी है। पहुंच चुके हैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, और इस चोटी पर से देखते हैं कि यहाँ के शहर का नज़ारा किस प्रकार का होने वाला है। तो आइए देखते हैं, ये है यहाँ का नज़ारा। जगह से चलकर आए हम यहाँ तक।
सबका इंट्रोडक्शन करवा दिया पर इन खुद का इंट्रोडक्शन नहीं किया है, तो भाई मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। भाई इधर देखना ज़रा, ये है बाहुबली वन के हीरो, क्योंकि तो इन्होंने बता दिए वन के अमर रहे अमर रहे। भाई को छुपी से थोड़ी का बहुत जोर से जोश चढ़ाता तो भाई ने निकाल दिया दिल से, और निकालना भी चाहिए अगर किसी के शहर दिखाई देता है। इधर नीचे की तरफ खेत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। टेस्ट कर रहे हैं भाई क्या चीज़ है, किरण की है। वहाँ पर फाड़ बटा लेती बस आज सिर्फ यही देखने आए थे कि यहाँ की सबसे ऊंची हाईएस्ट जगह से इस शहर का जो नज़ारा है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो भाई इस शहर का नज़ारा गजब है, कैमरे से क्लियर नहीं आया होगा लेकिन आंखों से मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये है मस्त, काफी बड़ा शहर है। लेट लेट के फोटो खिंचवा रहे हैं, नागमणि लेकर ही लौटेगा भाई ये देखो बिल्कुल नाग की तरह की फिसल फिसल के फोटो खींच रहा है। पहाड़ी से जा रहे हैं अब रूम पर कंपनी में, तो हम हाईवे के रास्ते के द्वारा जाएंगे। पहले हम कच्चे रास्ते से आए थे और अब हाईवे के रास्ते से जाएंगे, तो पहाड़ी से हम इतना उतर के आ चुके हैं और ये रास्ता देख रहे हैं जाने के लिए, यहाँ से जाना कहाँ है पहले हम कभी आए नहीं, इसलिए
सो ही रहे हैं। तो गाइस हम पहाड़ उतर रहे हैं और ये पहाड़ के पीछे का नज़ारा है जिस पहाड़ से हम उतर कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। ये इधर बना हुआ है मछली पालन, तीन मछली पालन बनाया है। पत्थर पत्थर कुआ है होते हुए हाईवे पर जाएंगे और यहाँ पे खेतों से होते हुए जा रहे हैं, तो खेतों में क्या क्या लगा है वो सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और इधर जो ये कंपनी है वो बिल्कुल भंगार हो चुकी है, मतलब बंद है काफ़ी सालों से, ये पता नहीं अब कब बंद हुई। ये इधर खेत है, ये पता नहीं क्या लगा हुआ है खेत में। ये शायद लगे हुए खेत में अनार के पेड़। ये यहाँ पर इस खेत में अनार लगे हुए हैं। आखिरी तक दिखाई दे रही है वो घरों से भी आगे। अनार की खेती वहाँ से लेकर उधर से होते हुए उधर से इधर से ये वहाँ लास्ट जंगल के किनारे तक जाती है। और इधर सामने में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। ये ये पीछे हमारे पहाड़ रह चुके हैं जिस पहाड़ से हम चल कर आए हैं। सिंचाई की जा रही है अनार के पौधों में ट्रैक्टर के माध्यम। महाराष्ट्र में श्री सामर्थ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जो पीछे दिखाई दे रहा है पॉलिटेक्निकल लैब है ये, और ये इधर सामने कॉलेज है। देखिए इधर खेतों में ज्वार लगी हुई है। अरे मैं दे दूँ ये मोबाइल कैमरा मंगा रहे की पांच इधर पीछे भी ज्वार लगी है। हां नहीं रखी है सिक्स रखी है ऐसी सफेद आई है सर, चार महीने चलाई लगातार मैंने, पीली पड़ गई हो पीली पड़ गई जैसे कीड़े के बच्चे के की लाल मारी पड़ गई। तो ये पीली क्या महीना तक नहीं पड़ेगी? 3 महीना केला नहीं पड़े, 3 महीना लगातार। और पीरी पड़ जाने एक बार की तो कर दे। फाइनली काफ़ी दूर से पैदल चलने के बाद हम हाईवे पर पहुंच गए। ये रहा हाईवे, ये टोल टैक्स है, टोल टैक्स पर पहुंच गए हम। चल चल कर थक गए थे तो एक होटल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। ये चाय चल रही है सबकी। यहाँ पर हाईवे पर इसके माध्यम से गन्ना निकाला जाता है, गन्ने का जूस इसके माध्यम से निकाला जाता है।
रास्ते से चलते चलते कंपनी के रोड पर आ पहुँचे हैं। और ये भाई का अभी तक फ़ोटो खींचने का जो शौक था ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये अभी भी फ़ोटो ही ले रहा है, मतलब शुरू से हम जब से चले तब से फ़ोटो ले रहा है, अभी तक फ़ोटो ले रहा है, मतलब इसका मन नहीं भरा है फ़ोटो खींच खींच के। हाईवे पे मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले जो वीडियो मैंने हाईवे पे शूट किए थे उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इस कारण से मैंने आज हाईवे पे जो है वीडियो शूट नहीं किया है। और अब मैं जा रहा हूँ कंपनी में, तो कंपनी में पहुँचने वाला हूँ। लगभग ज़्यादा दूर रास्ता नहीं है, 500 मीटर के समथिंग रास्ता होगा। और आज हमने लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, वो भी पैदल, और वो भी कंपनी के पीछे से रास्ता जाता है पहाड़ी क्षेत्र की ओर। उससे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि इधर से ये रास्ता जो पीछे की साइड, वो पीछे की साइड पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, उधर से उन पहाड़ियों पे होते हुए इधर से पीछे से रास्ते से घूम के लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके इधर से होके हाईवे पे होके इस रास्ते पे आ रहा हूँ, जो ये रास्ता जाता है हमारी कंपनी की ओर। कंपनी ज़्यादा दूर नहीं है और ये कंपनी के आसपास का नज़ारा है। ये खेत वगैरह है इधर, तो लगभग खेत की फसल कट चुकी है। इस खेत में ज्वार की फसल थी और इधर मक्का खड़ी हुई है अभी भी, ये आप देख सकते हो। बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो ये है हमारे कंपनी के आसपास के घर, बस्ती, जहाँ पे यहाँ के लोकल के लोग रहते हैं, बसे हुए हैं। यहाँ पर लगभग गांव के जैसा ही माहौल है जैसे हम गांव में रहते हैं। पशु जानवर सब इधर पाले जाते हैं, जैसे हम गायें वैसे रखते हैं, इसलिए इधर भी इनके पास गायें वैसे हैं। पर जैसे हमारे तरफ देसी गाय होती है उस प्रकार की गायें मैंने अभी तक नहीं देखी इधर है या नहीं है, पर इधर ज़्यादातर जर्सी गाय पाली जाती हैं। ये जर्सी गाय का बछड़ा है, ये मुर्गी वगैरह का पालन होता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ के आसपास के जानवर, ये इस प्रकार की गाय पाई जाती है इधर। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ हमारे कंपनी के पास। कंपनी अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही है कंपनी कहाँ पे है। तो आप भी देख सकते हो थोड़ा पेड़ों के आड़ में हो रही है, लेकिन जैसे दिखेगी तो मैं दिखाऊंगा कैमरा रोटेट करके। ये कंपनी आप देख सकते हो, ये पेड़ों के पीछे है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं लगभग कंपनी पहुंच चुका हूँ। और गाइस आज का मेरा पूरा दिन जो है ब्लॉगिंग करने में और ब्लॉग की शूटिंग करने में निकल गया है, घूमने फिरने में, क्योंकि आज कंपनी की छुट्टी थी रिपब्लिक डे के कारण। तो मैं निकल गए थे हम सुबह ब्लॉगिंग करने के लिए, तो हम पहुंच चुके हैं कंपनी के गेट पे। और आप देख सकते हो ये कंपनी, ये इतना बड़ा
प्लांट है कंपनी का, और कंपनी के जो पीछे साइड में है उधर हमारे रूम में, कंपनी के पीछे साइड रहते हैं, कंपनी में रूम है, और ये कंपनी का गेट है। ये इधर शरबत की बोतलें टंगी हुई, ये सॉरी पता नहीं शरबत या पेट्रोल है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कंपनी के गेट पे। तो ये रहा कंपनी का गेट और मैं कंपनी के अंदर जा रहा हूँ। ये हमारी कंपनी है, किसी दिन काम पे रहते वक्त अगर मेरे को फ्री टाइम मिला तो मैं आपको कंपनी के अंदर साइड का व्यू भी बताऊंगा कि अंदर से कंपनी कैसी दिखाई देती है। और ये कंपनी का बाहरी हिस्सा है यहाँ पे, मतलब ये कंपनी नई नई बनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इसमें अभी काम चालू है, वर्किंग प्रोग्रेस पे। इसके आसपास प्लांटेशन भी किया गया है, छोटे छोटे पौधे अभी लगाए गए यहाँ के पौधे, और ये पौधों में पानी देने के लिए पाइप डाल रखा है, तो इस पाइप के माध्यम से इन पौधों में पानी दिया जाता है। और ये कंपनी का साइड वाला व्यू है। और गाइस हम गए थे वो जो सामने आप देख रहे हो उन पहाड़ियों पर घूमने के लिए, उन पहाड़ियों से घूमते हुए हाईवे के रास्ते से चलते चलते कंपनी पे आ पहुँचे। और गाइस आज मैं चलते चलते काफ़ी थक चुका हूँ, बिल्कुल चलने की अब बस की नहीं है, और अभी भी चल ही रहा हूँ, अब भी कमरे ठीक तरीके से पहुँचे नहीं हूँ। पर उम्मीद जग चुकी है कि मैं थोड़ी देर में रूम पे पहुँच जाऊँगा, वहाँ जाने के बाद आराम से रिलैक्स करूँगा। और यहाँ पे जो ये जगह देख रहे हो आप, ये यहाँ पे कंपनी की गाड़ियाँ लोड होती है, जो कि जो मटेरियल यहाँ पे बनता है वो मटेरियल लोड होके कहीं दूसरी कंपनी में जाता है, जो सामान यहाँ बनता है वो असेंबली होने के लिए बाहर जाता है। और पीछे साइड कंपनी का इधर काम चल रहा है, एक नया प्लांट बनने वाला है, ये कंपनी का प्लांट कंपनी और ये कंपनी के प्लांट का पार्ट टू बनने जा रहा है, ये अभी वर्किंग प्रोग्रेस पे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।